नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। मैं पीएम डीएनए सिंह। यहां पे आपकी रिक्वेस्ट पे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ये पुल का क्या फंडा है, जो भारत नेपाल बॉर्डर्स के लिए पुल है उनका क्या फंडा है, ये कब खुलते हैं और किस सिचुएशन में खुलते हैं, सर इसे हम पार कर सकते हैं क्या, इसे लेकर बोल रहे थे कि एक वीडियो बनाइए सर ताकि हमें पता चल सके कि ये क्या चीज़ क्या है। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, पूरी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि भारत और नेपाल एकदम अटैच में है और इनकी जो सीमाएँ हैं वो 1038 किलोमीटर लगती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी बॉर्डर्स आती हैं, जैसे सोनाली बॉर्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बॉर्डर आती हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ यहाँ पे 5 पुल बनाए गए हैं। 5 पुल हैं जिसमें ब्रिंगज पुल है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा 5 तरह के पुल हैं। इन पुलों को क्या है कि इनमें एक स्पेसिफिकेशन होता है कि जब कोई सिचुएशन ऐसे हो कि पुलों को खोलना है तभी खोलेंगे ये, और उसके लिए कोई पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। पुलों को खोल रहे हैं, ये 3-4 बार खोले हैं, तो उसमें उन्होंने अचानक से खोले हैं और लगभग घंटे या 2 घंटे खोलने के बाद उसे बंद कर दिया गया है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो लोग अपनी पेंशन लाने जाते हैं इंडिया, या फिर जो कोई सामान लेने जाते हैं इंडिया, या फिर इंडिया के लोग कुछ स्पेसिफिक काम के लिए जाते हैं, तो वो यहाँ पे पुल को क्रॉस करके जा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे इंडिया से नेपाल या नेपाल से इंडिया परफेक्टली किसी रीजन के साथ जाना चाहते हैं, जैसे कोई ऑपरेशन करवाने के लिए जाने चाह रहा है, या फिर जैसे कोई मतलब वो है इंडिया नेपाल से लेकिन वो सीमा के ऊपर नहीं है, जो लोग सीमा के ऊपर नहीं है, या फिर विशेष काम के लिए जा रहे हैं जिनको 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 4 दिन लग सकता है, तो उनके लिए कोई फायदेमंद नहीं है ये पुल। और दूसरी बात कि इनमें ऐसे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता कि भी कल इतने बजे खुलेगा, कुछ भी नहीं है, अचानक से खोल देते। जैसे ब्रिंगज पुल 2 दिन पहले खुला था 2 घंटे के लिए, तो उसमें दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो लोग स्पेशल जैसे कोई शादी में जाना चाहता है तो उसके लिए वो प्रॉफिट वाली बात नहीं है, आपके लिए वो चीजें सही नहीं है। जो पुल खुलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फायदेमंद है तो उनके लिए जो सीमा के नजदीक गाँव है या फिर पुल के नजदीक गांव है वो लोग वहां से क्या है, उनको अगर खुला है 2-2.5 घंटे के लिए तो उतने में अपना काम निपटा के वो वापस आ सकते हैं, और पैदल जाना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है, तो वहां पे तो जो लोग ट्रैवल करके जाना चाहते हैं काफी दूर से, तो उनके लिए भी वैसे कोई प्रॉफिट नहीं है, और आपको ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे। तो देन मेनली कि आपको तो बॉर्डर पार करके ही जाना पड़ेगा, मैं यही बात बताना चाहता था। लेकिन जो लोग सटे हुए हैं यहाँ पे गाँव, वो उनके लिए फायदा है पुल के लिए। तो यही बात मैं बता रहा था दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वैसे 15 नवंबर के बाद यहाँ पे बॉर्डर खुलने की संभावनाएं बन रही हैं।